उनकी सोच एक ऐसी सोच है जिसमें आम कार्यकर्ता को भी वो नेतृत्व की कमान सौंप सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ भी नया हो सकता है और इस सबकी हमें तैयारी है, क्योंकि बार बार हमने ऐसा होते हुए देखा है। आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री दिया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री दिया गया, तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में या तो सामान्य वर्ग से आएगा या दलित वर्ग से आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इस विषय में तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये निश्चित है जो भी होगा वो राजस्थान के हित में होगा, वो राजस्थान प्रदेशवासियों के विकास के लिए होगा। मंत्री कौन होगा बीजेपी में? आप विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए विशिष्ट है क्योंकि एक पूरी तरीके से अनुशासित संगठन है और संगठन का जो हाई कमान का निर्देश होता है, जो संगठन का उच्च नेतृत्व निर्देशित होता है, उसी हिसाब से हम सभी लोग उसके आदेश की पालना करते हैं। और आज भी इसी संकल्प के साथ जा रहे हैं कि जो भी निर्देश होगा उसकी पूर्ण पालना हाईकमान की और उच्च नेतृत्व की, वरिष्ठ नेतृत्व की हमें करनी है। संदीप जी, बात की जाए छत्तीसगढ़ की, बात की जाए मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पार्टी ने चौंकाया है ना, अब राजस्थान का नंबर है, तो क्या इस तरह की चौंकाने वाली चीज सामने आ सकती है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो देश के लिए लगभग 18 घंटे नियमित कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, देश के विकास को लेकर उनके मन में संकल्पना है और उस पर वो लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से वो उनकी सोच एक ऐसी सोच है जिसमें आम कार्यकर्ता को भी वो नेतृत्व की कमान सौंप सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ भी नया हो सकता है और इस सबकी हमें तैयारी है, क्योंकि बार बार हमने ऐसा होते हुए देखा है। तो निश्चित रूप से हमें हमारे हाई कमान पर गर्व है, हमारे नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, हमारे नड्डा जी पर गर्व है, अमित शाह जी पर गर्व है, ओम बिरला जी पर गर्व है कि वो सभी लोग एक बहुत सोचने के बाद अपना निर्णय लेते हैं और सबके हित में उनके निर्णय होते हैं। एक लास्ट सवाल है संदीप जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री दिया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री दिया गया, तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में या तो सामान्य वर्ग से आएगा या दलित वर्ग से आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इस विषय में तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये निश्चित है जो भी होगा वो राजस्थान के हित में होगा, वो राजस्थान प्रदेशवासियों के विकास के लिए होगा।